सो हे व्हाट्सअप गेमर गैंग के लोगों, कैसे हो सब? आई होप सब जल से कर रहे हो। तो यार आज की जो वीडियो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बनाने जा रहा हूँ एक अपने सब्सक्राइबर के लिए गेमिंग पीसी। अब ये वाला जो पीसी है, इसकी कॉस्ट पड़ने वाली है आपको 50,000 रुपीज। एंड ये जो पीसी है मैं बनाने वाला हूँ पंकज भाई के लिए, जो कि मुंबई से बिलोंग करते हैं। तो पंकज भाई, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो यार थैंक यू हम पे ट्रस्ट करने के लिए और आपका पीसी हमें बनाने का मौका देने के लिए। एंड गाइस, अगर आप भी आपका पीसी हमारे पास बनवाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो और आपका कस्टम पीसी भी बनवा सकते हो। सो किसका वेट कर रहे हो यार, जाओ फटाफट से अपने भाई को मैसेज कर दो। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अगर आपको भी पसंद है ऐसे पीसी रिलेटेड वाली वीडियोस, तो कर क्या रहे हो यार, फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ये सब्सक्राइब बटन दबा के एंड उसके बगल में जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है वो घंटा, उसको फटाक करके बजा के जाना, मतलब ऑल पे करके जाना। उससे होगा ये कि फ्यूचर में मैं इस तरह की जो भी वीडियोस डालूंगा ना, उसका पता आपको तुरंत से चल जाएगा। नाउ गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाला जो पीसी हम बिल्ड कर रहे हैं, ये किस पर्पस के लिए बिल्ड कर रहे हैं, पंकज भाई एक्चुअल में क्या करना चाहते हैं इस पीसी पे। तो फिलहाल के लिए पंकज भाई इस पीसी पे गेमिंग करना चाहते हैं एंड फ्यूचर में वो 2-3 महीने बाद अपना एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ये वाले पीसी पे फ्यूचर में वो एडिटिंग भी करने वाले, हो सकता है फ्यूचर में वो स्ट्रीमिंग भी करे इस पीसी के ऊपर। तो ये वाला पीसी हम इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख कर बनाने वाले हैं। नाउ फटाफट से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इस वाले पीसी में मैंने कौन कौन से पार्ट्स यूज किए हैं एंड उसके बाद मैं आप लोगों को इस वाले पीसी का बेंचमार्क्स भी दिखाने वाला हूँ, तो आप लोगों को पता चल पाएगा कि ये वाला पीसी एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है। अब प्रोसेसर के लिए हमने इस वाले बिल्ड में यूज किया है एक AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 5 2600, जो कि एक हेक्साकोर प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर में आपको मिल जाते हैं 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स। बेस क्लॉक आपको मिलती है यहाँ पे 3.4 GHz की एंड जो बूस्ट आपको यहाँ पे मिलती है वो है 3.9 GHz की। 19MB की आपको यहाँ पे L3 कैश देखने मिल जाती है और ये वाला जो प्रोसेसर है सपोर्ट करता है 2933 MHz वाले रैम को। अब हमने पंकज भाई को पहले सजेस्ट किया था Ryzen 3 3300, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा था कि भाई मुझे गेमिंग करनी है अभी के लिए, तो बाद में उन्होंने कहा कि भाई फ्यूचर में मैं एडिटिंग भी करने वाला हूँ, स्ट्रीमिंग भी करने वाला हूँ। तो उस चीज को ध्यान में रखकर हमने इस वाले पीसी में एक 2600 लिया है, क्योंकि जो हमारा 2600 है यहाँ पे आपको 6 कोर्स एंड 12 थ्रेड्स देखने मिल जाते हैं, एज कम्पेयर टू 3300X वहाँ पे आपको एक 4 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स ही देखने मिलते हैं। तो जो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कोर्स एंड एक्स्ट्रा थ्रेड्स देखने मिल रहे हैं, ये यार एडिटिंग के टाइम पे काफी हेल्पफुल है। एंड इसकी प्राइस की बात करूं तो ये वाला प्रोसेसर आपको अराउंड 12,500 से लेके 13,500 रुपीज तक आराम से मिल जाता है। नाउ गाइस, GPU के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है NVIDIA की तरफ से आने वाला एक GTX 1650 Super। अब इस ग्राफिक कार्ड में आपको 4GB की VRAM मिल जाती है, 1280 CUDA कोर्स देखने मिल जाते हैं एंड गाइस इस ग्राफिक कार्ड में आपको 12 Gbps तक की मेमोरी स्पीड देखने मिल जाती है। तो ओवरऑल काफी बेहतरीन ग्राफिक कार्ड है। अगर आपको 15,000 के अराउंड कोई एक GPU चाहिए था तो आप आराम से इस वाले GPU को परचेस कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि यार 15,000 के अराउंड आपको इससे बेहतर ग्राफिक कार्ड मिलेगा। एंड अगर आप Inno3D ब्रांड के साथ जाते हो तो आपको अराउंड 14,500 रुपीज में आराम से ये देखने मिल जाता है। एंड इस प्राइस पे यार काफी सही ग्राफिक कार्ड है, काफी अच्छे खासे आपको FPS निकाल के देने वाला है ये लेटेस्ट AAA टाइटल्स में भी। नाउ गाइस, जनरली मदरबोर्ड के लिए इस बिल्ड में हम यूज करते हैं एक ASRock का B450 मदरबोर्ड, बट हमारे पंकज भाई को एक Asus का A320 गेमिंग वाला मदरबोर्ड चाहिए था। अब वाला जो मदरबोर्ड है Asus का भाई, ये काफी डिसेंट लगता है यार। यहाँ पे आपको एक RGB हेडर भी देखने मिल जाता है इस वाले मदरबोर्ड में एंड मदरबोर्ड के अंदर भी आपको थोड़ी बहुत RGB देखने मिल जाती है। एंड जो सबसे सही चीज है भाई, A320 होने के बावजूद इस वाले मदरबोर्ड में आपको 4-4 RAM slots देखने मिल जाते हैं। मतलब फीचर वाइज यार काफी फीचर रिच मदरबोर्ड है, काफी ज्यादा इसमें आपको फीचर्स देखने मिल जाते हैं। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा, इसमें आपको RGB हेडर देखने मिलता है, तो उसके थ्रू आप आराम से अपने केस के अंदर जो RGB फैंस आते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो। इस वाले मदरबोर्ड में आपको ऑरा सिंक का सपोर्ट देखने मिल जाता है, जिसके थ्रू आप आराम से कलर्स वलर्स चेंज कर सकते हो अपने पंखों के। एंड गाइस, इस मदरबोर्ड की प्राइस की बात करें तो ये वाला जो मदरबोर्ड है ये आपको अराउंड 5000 से लेके 5500 रुपीज में देखने मिल जाता है। एंड गाइस, इस वीडियो में हमने जो भी पार्ट्स यूज किए हैं सभी पार्ट्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप आराम से बाय कर सकते हो। नाउ गाइस, रैम के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है एक 8GB की सिंगल स्टिक रैम, जो कि आती है XPG की तरफ से। अब जैसा कि मैंने आपको कहा, पंकज भाई को फिलहाल गेमिंग करनी थी, तो गेमिंग करने के लिए यार 8GB मोर देन इनफ रहने वाली है, बट फ्यूचर में ये जब स्ट्रीमिंग एंड एडिटिंग करने वाले हैं तो ये इसी मदरबोर्ड के अंदर 8GB और लगाने वाले हैं। एंड जैसा कि आप लोगों को पता ही है, ये वाले मदरबोर्ड में आपको 4 RAM slots देखने मिल जाते हैं, तो भाई रैम तो आप आराम से दबा के लगा सकते हो इसमें।
एंड ये वाला जो रैम है 3000 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी के साथ आता है। फिलहाल इसकी प्राइजेस यार काफी कम है, तो अगर आप बाई करना चाहते हो तो आप आराम से जाके बाई कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगी। इस रैम की प्राइस की बात करें तो यार कल मैंने चेक किया था अमेजोन पे आपको 2700 रुपीज में मिल रहा था, एंड 2700 रुपीज यार काफी सही प्राइस है इस रैम के लिए। नाउ गाइस स्टोरेज के लिए यहाँ पे हमने यूज किया है 240 GB की SSD जो की आती है किंगस्टन की तरफ से, एंड इस वाले SSD के ऊपर हमने इनको विंडोज 10 इंस्टॉल करके दी है, एंड 240 GB के ऊपर आराम से आप अपने सॉफ्टवेयर्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो। एंड आई नो गाइस खाली 240 GB से यार काम नहीं चलने वाला है, तो फर्दर मोर स्टोरेज के लिए हमने इनको 1 TB की हार्ड ड्राइव लगा के दी है। एंड इसकी प्राइस की बात करूं तो ये वाली जो हार्ड ड्राइव है ये आपको अराउंड 3400 रुपीज में मिल जाती है, एंड SSD की प्राइस आपको ऑलरेडी पता होगी 2600-2700 रुपीज में आपको आराम से देखने मिल जाती है। नाउ गाइस इस पूरे बिल्ड को पावर अप करने के लिए मैंने यूज किया है कॉर्सेयर की तरफ से आने वाला PSU। कॉर्सेयर का CV450 450 वॉट का PSU है। अब ये वाला जो PSU है ना एक बेहतरीन PSU है, बट फिलहाल भाई COVID-19 की वजह से इसकी जो प्राइसेस है ना वो थोड़ी सी बढ़ चुकी है। फिलहाल ये वाला PSU आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिल रहा है। अब ये वाला जो PSU 80+ स्टैंडर्ड रेटिंग के साथ आता है, साथ साथ में इसमें आपको ब्रीडेड केबल्स भी देखने मिल जाते हैं, एंड यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के केबल्स देखने मिल जाते हैं। इस वाले बिल्ड में हमने जो कैबिनेट यूज किया ना वो कैबिनेट भी ब्लैक कलर का है, तो ओवरऑल एक ब्लैक कलर की थीम क्रिएट हो जाती है, एंड भाई ओवरऑल बिल्ड करने के बाद काफी अच्छा खासा लुक निकल के आने वाला है। तो एंड इस PSU की प्राइस की बात करूं तो ये वाला PSU फिलहाल आपको अराउंड 3000 से लेके 3400 रुपीज तक देखने मिल रहा है, बट अगर आप एनटेक या फिर गीगाबाइट का PSU लेते हो तो आपको अराउंड 25 से 3000 रुपीज में मिल जाता है, तो वहां पे आप थोड़े बहुत पैसे सेव कर सकते हो। नाउ गाइस इस बिल्ड में हमने कैबिनेट के लिए एक एनटेक का केस यूज किया है जो कि है एनटेक DF500। अब ये वाले कैबिनेट से यार आई नो आप लोग फेमिलियर हो। अब इस वाले केस की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में 3 120mm के RGB फैंस देखने मिल जाते हैं, एंड इस वाले कैबिनेट में आपको टेम्पर्ड ग्लास देखने मिल जाता है, साथ साथ में यहाँ पे आपको PSU श्राउड भी देखने मिल जाता है। तो ओवरऑल एनटेक की तरफ से काफी बेहतरीन कैबिनेट था, हालांकि थोड़ा सा पुराना हो चुका है, स्टिल यार ये वाला कैबिनेट काफी डिसेंट लुक्स ऑफर करवाता है। एंड इसकी प्राइस की बात करूं तो ये वाला कैबिनेट आपको अराउंड 4500 रुपीज में आराम से मिल जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने जो मदरबोर्ड यूज किया है उसमें आपको RGB हेडर देखने मिल जाता है, तो इस वाले केस के फैंस को हमने RGB हेडर से कनेक्ट कर दिया है, एंड उसके बाद आप आराम से इस वाले फैंस को कंट्रोल कर सकते हो, इनका कलर चेंज कर सकते हो ऑरा सिंक सॉफ्टवेयर के थ्रू। एंड इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपको काफी सारे मोड्स देखने मिल जाते हैं यार, काफी सारे इंटरेस्टिंग मोड्स भी है जिनके थ्रू आप आराम से साइकिल कर सकते हो। तो इसी के साथ ओवरऑल ये वाला जो बिल्ड है ये हो चुका है कंप्लीट। बट यार पंकज भाई को इस वाले PC में वाईफाई यूज करना था, तो यहाँ पे हमने उनको एक वाईफाई एडेप्टर भी दिया है साथ में, जिसके थ्रू आप आराम से वाईफाई अपने मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन करके सिंपली अपने PC में वाईफाई यूज कर सकते हो। एंड इस वाले बिल्ड में जो पंकज भाई मॉनिटर यूज करने वाले है वो थोड़ा सा पुराना मॉनिटर है। अब उस वाले मॉनिटर में उनको VGA पोर्ट मिलता है, एंड जो इस वाले बिल्ड में हमने जो GPU यूज किया है इसमें आपको HDMI एंड डिस्प्ले पोर्ट देखने मिलता है। तो इस चीज को ध्यान में रखकर हमने उनको एक HDMI टू VGA कन्वर्टर भी साथ में दिया है, जिसके थ्रू आप आराम से अपने VGA मॉनिटर पे इस वाले PC को यूज कर पाओगे। एंड फ्यूचर में पंकज भाई अपना मॉनिटर भी अपग्रेड करने वाले हैं, तो बाद में वो HDMI पोर्ट से आउटपुट लेने वाले हैं, तो फिलहाल के लिए इनका जो काम है वो चल जाएगा इस HDMI टू VGA कन्वर्टर से। एंड गाइस इसी के साथ जो ओवरऑल बिल्ड है वो हो जाता है कंप्लीट, एंड इस वाले PC की जो ओवरऑल कॉस्ट पड़ती है वो 50,000 रुपीज पड़ती है, एंड ट्रस्ट मी गाइस काफी सही परफॉर्म करता है ये वाला PC। अब इस वाले PC के ऊपर आप गेमिंग तो अच्छी खासी लेवल की कर ही सकते हो, साथ साथ में आप अपने वीडियोस को भी एडिट कर सकते हो, एंड फ्यूचर में अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी है तो वो भी इस PC पे हो जाएगी। एंड इनकेस अगर आपको ये वाला PC पसंद आ जाता है और अगर आप ये वाला PC सेम टू सेम बनवाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी Instagram की ID का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, एंड अगर आप इस PC में कुछ चेंजेस भी करवाना चाहते हो तो वो भी करवा सकते हो, एंड ये वाला PC हम आपके लिए बिल्ड करके आपके एड्रेस पे शिप भी कर देंगे। सो बस गाइस काफी बातें हो गई है, फटाफट से आप इस वाले PC के बेंचमार्क्स देख लो कि ये वाला PC एक्चुअल में कैसा परफॉर्म करता है। तो बेंचमार्क्स आपके स्क्रीन पे ये रहे। Spoken. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness. Even when you're out of focus, I will be the light in your life. You'll see it clear. I'll be your inspiration. Cause I know that you do just what you're told. I'll be your heart.
so I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life, you'll see it clear. I'll be your inspiration. तो बस गाइस आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। एंड आज के वीडियो का जो लाइक एम है वो है 2000 लाइक्स, तो फटाफट से यार 2000 लाइक्स पूरा करवा दो। तो बस मैं विवेक मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए दिन किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, मचाते रहो। Like I'm floating through the air. The pain I felt is pain.